Well, citizens are left teary-eyed as onion prices have surged exponentially across the country. Onions are selling at prices ranging from 100 rupees to 120 rupees per kilo in several parts of West Bengal. In Mumbai, onion prices are at around 92 rupees per kg. Now, retailers and wholesalers have warned that it only could get worse from here. Blame game is on between the centre and state governments, particularly in West Bengal, where the state task force has blamed the central government for not supplying onions that were promised. Prices for onions have been on the rise for the last 1 month due to disruption of supply as a result of unseasonal heavy rain in states like Maharashtra and Karnataka. बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये एक बेसिक आइटम है प्याज आलू और ये टमाटर बेसिक आइटम है प्याज तो डलता ही डलता है और ये काफी हैवी पड़ रहा है हमारी जेबों पे रेट्स आर हाई सर आई एम फोर्स्ड टू बाय दैट्स ऑल टुडे हाउ मच यू परचेज 1 किलो प्याज की कीमत इन दिनों आम आदमी के आंसू निकाल रही है वैसे में अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में प्याज की कीमत जो है वो करीब 100 से 120 रुपए को छू रही है वैसे में आम आदमी की थाली से प्याज जो है वो अब गायब होता दिख रहा है वो खाए तो खाए क्या ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि अगर हरी सब्जियों की बात की जाए तो उसके जिस तरीके के दाम बढ़े हुए हैं तो वैसे में ये कहा जाता था कि प्याज और रोटी खा के इंसान जिंदा रह सकता है लेकिन अब तो प्याज भी जो है वो करीब 100 रुपए से 120 रुपए को छू रहा है यहाँ पे बहुत सारी गृहिणी मौजूद है उन्हीं से पूछते हैं आंटी ये बताइए प्याज के जो दाम है वो करीब 100 रुपए को छू रहा है बजट कितना इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है सिर्फ प्याज नहीं सभी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं तो मुश्किल होता है क्योंकि और भी सब खर्चे बढ़ गए और ये तो जरूरी है खाना बिल्कुल प्याज जो है वो हर सब्जी में जाता है अगर किसी भी सब्जी की बात की जाए तो प्याज उसमें पड़ता ही पड़ता है